धर्म और अधर्म की लड़ाई कल भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। समाज को तय करना है कि वो किसके साथ खड़ा रहे। अधर्म का सहभागी होना भी अधर्मी होता है। उक्त विचार बेटमा नगर से निकले आरएसएस के पथ संचलन के पूर्व संघ के जिला कार्यवाहक रवि ढोलिया ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को जातियों में तोड़ने का काम कर रहे विधर्मी जिन्हें अब हिंदू समाज की ताकत का एहसास होने लगा है कि वो एक होकर देश धर्म संस्कृति के हित में कुछ भी करवा सकता है, ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही है। मुगल, यवन, सून सहित कई आक्रांताओं ने देश धर्म पर हमला किया, लेकिन हमारी संस्कृति अभी तक अक्षुण्य बनी हुई है, क्योंकि हम सब ने प्राण भगवान राम सामाजिक समरसता के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने आदिवासी, वनवासी, गरीब और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक को अपनाने और उसे गले लगाने का काम किया है। अब उसी विचार का प्रभाव ये है कि 500 वर्षों से सतत संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। देश में दो विचारधारा के बीच धर्म व अधर्म में हम धर्मगामी बने, साथ ही लोक जागरण के अभियान में शत प्रतिशत मतदान की आहुति डाले। पथ संचलन मंडी प्रांगण से होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः मंडी प्रांगण पहुंचा। पथ संचलन का अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।